एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग, सभी बच्चों को किया पुरस्कृत, नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित एचएसएससी स्क्रीनिंग, एचएसएससी ग्रुप डी, 3 डेज डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज, एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने सिरसा, कॉन्टैक्ट 9055-96396 एंड 9055-96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। घग्गर नदी के पानी ने जिस प्रकार से तांडव मचाया वो तो आपने देखा ही देखा, लेकिन वो आपने पानी भरा हुआ देखा था, हमने दिखाया था, लेकिन अब पानी सूख चुका है और पानी सूखने के बाद कैसा तांडव घग्गर के पानी ने मचाया है वो अगर देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पे किसानों का हमें देखने को मिला है। घग्गर नदी का पानी, जहाँ से घग्गर नदी का मुहाना टूटा वहाँ पे हालात जो है वो बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा, जहाँ से पानी टूटा वहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार से एक बहुत बड़ा गड्ढा, इसको हम कह सकते हैं एक तालाब का रूप जो है वो धारण यहाँ की ज़मीन जो है वो कर चुकी है। यहाँ पे जहाँ धान की फसल लहला रही थी, खेती हो रही थी, लेकिन अब इसको देख करके मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये कहेगा कि यहाँ पे भी क्या कभी कोई खेती होती थी। लेकिन 2 महीने पहले या 20 दिन या 1 महीना पहले भी की बात करें तो यहाँ पे धान की फसल जो है वो बोई हुई थी, धान की फसल लहलहा रही थी, लेकिन घग्गर नदी के पानी ने ऐसा तांडव मचाया कि आप देखिएगा कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो यहाँ से खोद करके जो है वो घग्गर नदी अपने साथ बहा करके ऐसा लगता है ले गई है। सामने में आपको वो ट्यूबवेल एक लगा हुआ है, वो घग्गर नदी के बिल्कुल तट पे जो है वो लगा हुआ था, वो दिखाना चाहूँगा। देखिएगा केवल ट्यूबवेल की एक जो है वो पाइप आपको दिखाई दे रही है और उसके आसपास जो है वो कितनी मजबूती की गई होगी वो तो जो है वो अभी पता ही नहीं चल पा रहा कि सिंगल एक पाइप खड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद ये देखिएगा बिजली का पोल यहाँ पे लगा हुआ था, जो बिजली कनेक्शन ट्यूबवेल के लिए, और वो पोल देखिएगा बिल्कुल सप्लाई बाधित है, ठप पड़ी हुई है। चलिए, ये तो हुई प्रशासनिक नुकसान की बात, लेकिन अब यहाँ पे किसानों का कितना नुकसान हुआ है। अब वहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, यहाँ 13 एकड़ ज़मीन जो है वो एक ही किसान की बताई जा रही है, जिसमें 4-4 फीट तक मिट्टी या रेता, जिसको रेती बोला जाता है, वो जो है वो चढ़ा हुआ है। अब यहाँ से उस जगह का लेवल देखिएगा, वहाँ तक जो है वो 4-4 फीट तक जब मिट्टी ये रेता जो चढ़ गया तो वो उसको सही करने में कितना वक्त लगेगा और कितना खर्च जो है वो उस किसान का लगेगा। 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो तो चलिए छोटा किसान या बड़ा किसान जो वो कर भी लेता है, लेकिन 13-13 एकड़ को सही करने में कितना खर्च आएगा वो तो वो किसान ही जानता है और आप भी अच्छे से अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं। अब यहाँ से आगे मैं आपको इस तरफ अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो सामने देखिएगा, वहाँ पे जो है वो रेती जिसको बोलते हैं वो चढ़ी हुई है 4-4 फीट तक, और चारों तरफ मैं आपको कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि लगातार जो है वो यहाँ पे पानी हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पे पानी खड़ा हुआ था, यहाँ से पानी की ढाल जो है वो बनी थी, बाकी जगह पे पानी जो है वो सूख चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी पानी जो है वो ज़मीन नहीं सूखी है, पानी ज़रूर सूख गया है, देखिएगा ज़मीन गीली पड़ी हुई है। अब ऐसे में लगातार जो है वो इस घग्गर नदी के तट को बांधने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। अगर मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूं तो आपको जो है वो जूम करके थोड़ा दिखाए कि वहां पे ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी वगैरह जो है वो लगे हुए हैं, तो उनकी सहायता से जो है वो इस घग्गर नदी के तट को दोबारा से मजबूत करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना जो है वो किसानों को और ग्रामीणों को जो है वो करना पड़ा है, क्योंकि गड्ढे मैंने आपको दिखाया कि कितनी बड़ी
जो गहराई में गड्ढा जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, तो अनुमान है कि 5 से 6 फीट का, और ये कम से कम 1.5 से 2 या 3 एकड़ तक इसको हम कह सकते हैं कि 3 एकड़ में 6-6 फीट का गड्ढा जो है वो हो चुका है। इस गड्ढे को भरने में भी जो है वो समय लगेगा, खर्च आएगा, और उसके बाद ऊपर जो रेती चढ़ी हुई है और जो मिट्टी यहाँ पे चढ़ी हुई है उसको जो है वो लेवल करने में भी जो है वो समय लगेगा और खर्च जो है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। ऐसे में केवल ये एक मुसाइब वाला गांव के मैं आपको घटना दिखा रहा हूँ। ऐसे जहाँ जहाँ से टूटी है घग्गर नदी, जहाँ जहाँ से टूटी थी वहाँ पर कितना खर्च आएगा, कितनी गहराई में पानी जो है वो वहाँ से जो है वो धार बन करके गई है, वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। लगातार जो वो अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल इस तस्वीर को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।